पिथौरागढ़ के धीरपुर में स्थित राधो जी गौशाला में गोमाता के रुकने के लिए स्थायी आवास भवन का लोकार्पण आज कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री जयवर्धन सिंह ने किया। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार के वचन पत्र में गो संरक्षण की बात कही गई थी, आज उसी के चलते मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने मूर्त रूप दिया। इस गौशाला भवन का निर्माण आपसी जन सहयोग से और मंत्री जी के प्रयासों से संपन्न हुआ है। जयवर्धन सिंह ने सर्वप्रथम विधि विधान से पूजा अर्चन कर भवन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात गौमाता को चारा खिलाया और पूजा अर्चना की। इसके बाद मंच से गौशाला की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए इस ओर प्रकाश डाला और गौ संरक्षण के लिए क्या क्या उचित कदम उठाए जाए इस पर भी अपने विचार रखे। साथ ही आय व्यय का लेखा जोखा भी मंत्री जी के सम्मुख रखा गया। अभी कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ दिन पहले ही युवा स्वाभिमान योजना लागू की है, जिसमें हर शहर में पंजीयन हो रहा है ऐसे युवाओं का जो 21 और 30 वर्ष के बीच में रहते हैं। उसमें से ऐसे युवा जो इस उम्र में आते हैं और जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके परिवार की आय 2 लाख से कम है साल में, तो ऐसे युवा हर नगर में पंजीयन कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से 100 दिन का काम दिया जाएगा और उन 100 दिन में हर महीने ऐसे युवाओं को 4,000 रुपए का उसमें मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए जो उनको काम मिलेगा, इसमें हर दिन लगभग 8 घंटा उसमें रहेगा, जिसमें से 4 से 5 घंटे सिर्फ ट्रेनिंग होगी, कोई भी ITI की कोई भी प्रशिक्षण होगा उसमें, और शेष जो समय रहेगा 3 घंटे का। पूरी हॉल बनवाई है पूरा धीरपुर स्थाने गोशाला भवन लोकार्पण निमित्तेण गणेश पूजन चाहम सहकरिष्य। राधोगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर कमलेश सैनी की रिपोर्ट।